वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मटर पकौड़े के चाट बनाने की विधि बताती हूँ। ये बॉयल किया हुआ मटर है, ये चना दाल का पेस्ट है जिसे हमने 6 घंटा पहले पानी में भिगोकर मिक्सी में पीसकर पेस्ट बनाया है। ये बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, मुर्की पाउडर, मिर्चा पाउडर, लहसुन अदरक के पेस्ट, टमाटर बारीक कटा हुआ। सबसे पहले चने दाल में हम थोड़ा नमक मिलाएंगे। चने दाल के पेस्ट में हमने नमक मिला लिया है और मिक्स कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, पकौड़े को हम पलटेंगे। पकौड़े पक गए हैं, मिक्सर पैकों का प्याज फ्राई हो चुका है, ऐसे टमाटर को फ्राई करेंगे। टमाटर का प्याज फ्राई हो चुका है, इसमें हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, ये सारे सामग्री को हम फ्राई करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, हाँ मटर को अच्छे से फ्राई करेंगे। मटर अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें 1 कटोरी हम पानी डालेंगे। थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे। मटर अब रेडी हो गए हैं, मटर हमारा रेडी हो गया है। पकौड़े को हम छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे। पकौड़े को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब इस पर सॉस डालेंगे। अब इस पर दही ऐड करेंगे। अब इस पर नमक, सादा नमक, काला नमक अपने स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, सेव, मटर पकौड़े के चाट रेडी हो गए हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।